शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अपने संपादकीय लेख के माध्यम से नए संसद भवन के उद्घाटन के मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोला। लेख में कहा गया कि नए संसद भवन का आज उद्घाटन हो चुका है, यह मान्यता और परंपरा के अनुरूप नहीं है और संसद पर इस तरह का कब्जा हासिल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे देश में लगातार दिन रात संघर्ष चल रहा है। संपादकीय लेख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बातों को दोहराया गया। लेख में सवाल करते हुए कहा गया कि दिल्ली में नया संसद भवन खड़ा हो गया, उसकी सही में आवश्यकता थी क्या? सामना संपादकीय में नए संसद भवन को गैर जरूरी बताया गया। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा गया कि विचारों पर बंधन और सत्ता के केंद्रीकरण के ही सहारे तानाशाही पलती है। आरोप लगाया गया कि भले नया संसद भवन तैयार हुआ हो लेकिन पिछले 8 सालों से देश की दोनों सदनों में डर का माहौल है। सामना में आगे लिखा गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर नए संसद भवन का आज उद्घाटन हुआ, यह मान्यता और परंपरा के अनुरूप नहीं। राष्ट्रपति के हाथ से इसका उद्घाटन होना चाहिए था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया। दरअसल काफी समय से विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि मोदी सरकार केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जो कि देखने को भी मिलता नजर आया। दरअसल राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन ना करके खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जो कि ये बताता है कि जो राष्ट्रपति हैं, जो बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, वो केवल वोट बैंक के लिए, दलित आदिवासी और महिला वोट बैंक पाने के लिए सरकार ने ऐसा काम किया और राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रपति पद पर दी, जो कि विपक्ष की इस बात से अब कहीं ना कहीं देश में बवाल भी खड़ा हो रहा है। SP9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।